क्लास। तो आज हम एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड, क्लियर है? क्या सेकंड एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले हम तीन टर्म्स पढ़ेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखो लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम, ठीक है? लीनियर मीन 1D, अगर सरफेस है तो 2D, अगर वॉल्यूम है तो क्या हो गया अपने पास 3D। लीनियर मीन 1D, सरफेस मीन 2D और वॉल्यूम मीन 3D। लीनियर चार्ज डेंसिटी, कल हमने पढ़ा था एप्लीकेशन फर्स्ट, क्या वायर की वजह से, अगर सिर्फ हमारे पास कोई पतली सी क्या है वायर, तो इसकी क्या है लेंथ, क्या है लेंथ, और यहाँ पे आपने क्या माना था चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या माना था चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लियर है? तो इस वायर पे, इस लेंथ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसे क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्लियर है? किस से डिनोट करते हैं उसको, लैम्डा से, करते हैं लैम्डा से। तो लैम्डा क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्या होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लैम्डा क्या आएगा, क्यू बाय में एल, क्लियर? अब इसका मीनिंग क्या है, अब जैसे मान लो एल अपनी कितनी है 1 मीटर, क्या एल 1 मीटर, अगर एल कितना है 1 मीटर तो क्यू किसके इक्वल आएगा, लैम्डा के इक्वल, क्लियर है? एल क्या है 1, तो क्यों क्या आएगा लैम्डा। अगर आपकी 1 मीटर लेंथ है तो उसमें कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर है लैम्डा के इक्वल, क्लियर है? लीनियर चार्ज डेंसिटी के इक्वल, ठीक है? अगर आपका एल कितना है 2 मीटर तो लैम्डा कितना आएगा, क्यू बाय में 2, कितना है क्यू बाय 2, तो क्यू कितना आएगा 2 लैम्डा। तो अगर ये हमारे पास कितनी लंबी है 2 मीटर लंबी है तो इस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है 2 लैम्डा, क्लियर है? इस तरीके से अगर एल कितना हो जाए 3 तो क्यों कितना आएगा 3 लैम्डा, क्लियर है? इसे क्या बोलते हैं हम, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर मीन 1D, 1D मीन जैसे अपने कल अपने टॉपिक किया था गॉस लॉ का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, किसकी वजह से लाइन चार्ज की वजह से, ठीक है? तो इस लाइन पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसे क्या बोलते हैं हम, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्लियर? मीनिंग क्या है, अगर एल 1 मीटर हो जाए तो क्यों किसके इक्वल आएगा लैम्डा के इक्वल, तो कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है लैम्डा में, ठीक है? 2 है तो कितना हो जाएगा 2 लैम्डा, 3 है तो कितना हो जाएगा 3 लैम्डा, क्लियर है? तो ये क्या होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्लियर? इसी तरीके से क्या होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब किसकी बात कर रहे हैं आप, 2D, क्लियर है? 2D में क्या है एरिया, अब इस एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसे क्या बोलेंगे हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो किससे बोलते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा क्या होता है क्यू बाय में ए, इस गिवन एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसे क्या बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्लियर है? वही मीनिंग है, अगर एरिया कितना है 1 मीटर का स्क्वायर तो क्यू किसके इक्वल आ जाएगा सिग्मा के, अगर एरिया कितना है 2 मीटर का स्क्वायर तो क्यू किसके इक्वल आ जाएगा 2 सिग्मा के, क्लियर है? कि लीनियर मीन्स 1D, सरफेस मीन्स 2D, वॉल्यूम मीन्स 3D। जैसे कोई आपका क्यूब मान ले तो वो किस में आ जाएगी 3D में, क्लियर है? तो इसमें से आपने एक छोटा सा वॉल्यूम क्या कर दिया ले लिया, ठीक है? उस वॉल्यूम पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसे क्या बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो क्या बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको किससे डिनोट करेंगे रो से, इसको क्या बोलते हैं रो, क्या हो जाएगा क्यू बाय में वी,
क्लियर है, इतनी याद रखना चाहिए तुम्हें। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय में ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी। रो मीन्स क्यू बाय वी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सेम मीनिंग, अगर वॉल्यूम वन है तो चार्ज किसके इक्वल आ जाएगा, रो के। टू है तो किसके इक्वल हो जाएगा, चार्ज टू रो। क्लियर है, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है, तीन चीजें ना रहनी चाहिए, हो गया, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। लीनियर मीन्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, सरफेस मीन्स पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूम मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, इसको डिनोट करते हैं रो से। क्लियर, ये तीन चीज़ें याद रखनी चाहिए। इलेक्ट्रिक
इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से, ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, प्लेन की जगह आपको वर्ड मिल सकता है फ्लैट शीट, क्लियर? देखो प्लेन शीट या फ्लैट शीट, क्लियर? क्या होती है? ये हमारे पास क्या हो गई, एक प्लेन शीट, ठीक है? वो पेपर दिया है, जैसे ये पेपर है वो क्या है, एक प्लेन शीट, ठीक है? अरे समझ, तो ये क्या होगी अपनी प्लेन शीट। अब देखो, अब हमें क्या निकालना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने क्या स्टेप था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, जिस पॉइंट पे अपन ने निकालना होता है वहाँ पे क्या ड्रॉ कर दो, एक गॉसियन सरफेस, क्या ड्रॉ कर दो, गॉसियन सरफेस, ठीक है? तो इस प्लेन शीट में से सबसे पहले अपन ने क्या काट लिया, एक एरिया काट लिया, क्या काट लिया, एरिया, यहाँ से हमने क्या काट दिया इसका एरिया, क्लियर है ये वाली बात, ठीक है? ये क्या होगी अपने एक इनफाइनाइट प्लेन शीट या फ्लैट शीट, ये फ्लैट मीन्स जो सिंगल हो, ठीक है? बिल्कुल पतली सी है ना ये, उसे क्या बोलेंगे आपको, प्लेन शीट या फ्लैट शीट, क्लियर है? पतली है ना, सिंगल, क्लियर? इसमें से आपने क्या काटना है, एक एरिया काटना है। तो हमने यहाँ से क्या काट लिया, एरिया, क्लियर? अब ये एरिया काट लिया, अब इस फ्लैट शीट के ऊपर क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज, क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज, वो चार्ज हमने मान लो क्या मान लिया, प्लस, ठीक है? अब ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया पे, किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अभी हमने जब चार्ज एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम कौन सी टर्म पढ़ते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्लियर? हमने सबसे पहले क्या ली, एक फ्लैट शीट ली जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिक्स, क्लियर? तो हमने क्या ली, लेट अस से इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे डिनोट करते हैं हम, सिग्मा से, तो क्या होगा, सिग्मा किसके इक्वल होगा, क्यू बाय में ए या में एस भी मिल सकता है, ठीक है? ए मीन्स एरिया, क्लियर? ये शीट है, इस पर क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है अपना चार्ज, ठीक है? तो चार्ज जब इस सरफेस बेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, सिग्मा, सिग्मा इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्लियर है? ठीक है, अब देखो इसी शीट में से हमने क्या काट दिया, यहाँ से एक छोटा सा एरिया काट दिया, ठीक है? जैसे मैंने ये क्या काट दिया, एक छोटा सा एरिया, क्लियर? जैसे इस शीट में से हमने ये क्या काट दिया, एक छोटा सा एरिया। अब देखो ये शीट है, इस शीट में फील्ड लेंस होंगी, फील्ड लेंस कहाँ बनेगी, इधर भी और इधर भी, बाहर से, क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ये क्या बन रही है, फील्ड लेंस, ठीक है, क्लियर है? अब हमें क्या करना है, अब देखो ये जो आपने एरिया काटा है, ये क्या काटा है हमने, एरिया, ठीक है? अब जो हमने इसमें क्या करना होता है, गॉसियन सरफेस बनाना होता है, क्या बनाना होता है, गॉसियन सरफेस। अब बताओ इस प्लेन शीट की वजह से कैसा गॉसियन सरफेस बनेगा, जैसे लाइन चार्ज में कैसे बना था, सिलेंड्रिकल, कैसे बना था, और मैंने क्या कहा था, गॉसियन सरफेस जब बनाएंगे तो कैसा होना चाहिए, वो हाईली सिमेट्रिकल, हाईली सिमेट्रिकल मीन जो सरफेस लिया है उस सरफेस के हर पॉइंट पे एंगल क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, ठीक है? अब इसकी वजह से कैसा बनेगा सरफेस, गॉसियन सरफेस, कितनी बात क्लियर है? ये अपने पास कोई शीट है, इस पर क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज, फील्ड लाइंस कहाँ होगी, इधर भी और इधर भी, कहाँ होगी, बाहर की साइड, क्यों, क्योंकि कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस, प्लस होता तो बाहर की, अंदर अगर माइनस हुआ तो कहाँ होती, इनवर्ड, आगे यहाँ पे भी इनवर्ड और यहाँ पे भी इनवर्ड, क्लियर? तब इसमें ये फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है, ऐसे बाहर, क्लियर? यहाँ से भी कहाँ जा रही होंगे, ऐसे बाहर, क्लियर? अब बताओ हमें सेकेंड स्टेप क्या था, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना, कैसे गॉसियन सरफेस ड्रॉ होगा इसका,
ऐसे शेड बनेगी। ठीक है, अब जैसे ये ले लो, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही मोटा हुआ, थोड़ा मोटा कर दीजिए। ठीक है, अब इसके ये आपने क्या करते हैं यहाँ पे, इसमें एरिया, इसमें क्या करते हैं आपने इसका एरिया, ठीक है, थोड़ा सा मार्कर से तुम्हें सिलेंडर क्लियर हो जाएगा शेप। ठीक है, अब इसमें से ये क्या जा रहा है, ये हमने एरिया काटा है छोटा सा, एरिया से काटा तो इसमें से हमने ये क्या ड्रा कर दिया, गॉसियन सरफेस। क्या ड्रॉ कर दिया, ओके, कैसा सरफेस बन रहा है, ये किस शेप का बन रहा है, सिलेंडर का, कैसे बन रहा है, तो इसमें से भी कैसे शेप का बन रहा है। अगर आपा ने इसको कैसी शेप में काटना है, यहाँ से राउंड शेप में, कैसी शेप में काटना है, राउंड, तो कैसा बन रहा है, सिलेंड्रिकल, क्या बन रहा है, सिलेंड्रिकल। अब देखो इसके भी कितने पार्ट हो गए, तीन, ये बॉटम, ये टॉप और ये वाला जो बचा वो क्या बन गया, कर्व। क्लियर है, टॉप बॉटम ये वाला हिस्सा क्या बन गया, कर्व। क्लियर, तीन पार्ट हो गए। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, इसके वजह से सरफेस कैसे बन रहा है, सिलेंड्रिकल, कैसे बन रहा है। ठीक है, अब देखो ये इसका टॉप वाले की बात करते हैं आपा। ठीक है, ये इसका टॉप सरफेस है, इस टॉप सरफेस पे ये एरिया वेक्टर कहाँ होगा, बाहर की साइड, कहाँ होता है, बाहर की साइड। ठीक है, समझ आ रही है वाली बात, तो एरिया वेक्टर क्या होता है, क्योंकि इसके हमें परपेंडिकुलर लेना होता है सरफेस के, और हमेशा कहाँ लेना होता है, बाहर की साइड। ठीक है, तो ये एरिया वेक्टर कहाँ हो गया, बाहर की साइड, समझ आ गया, कौन सी सरफेस की वजह से, टॉप सरफेस की वजह, किस वजह से, टॉप सरफेस की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ बनेगी, बाहर की साइड, तो इस टॉप सरफेस की वजह से और इस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, जीरो, कितना बन रहा है, जीरो। तो एक बात समझ आएगी, इस सरफेस की वजह से एंगल कितना बन रहा है, ई और डी एस के बीच में, जीरो। हर पॉइंट पर क्या बनेगा, अगर हम इसको ऐसे रखें तो तुम ज़्यादा क्लियरली समझ सकते हो। ठीक है, हर पॉइंट पे एंगल क्या बनेगा, सेम, लेकिन फील्ड लाइन्स कहाँ जा रही है, बाहर, और एरिया वेक्टर भी कहाँ है, बाहर, इन दोनों में एंगल कितना मिल रहा है, जीरो। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बॉटम ले लें तो बॉटम में भी क्या चक्कर है, यही सेम। ठीक है, ये इसका क्या बनेगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर, फील्ड लाइन्स भी कहाँ बनेगी, बाहर, तो इन दोनों में भी एंगल कितना बनेगा, जीरो। दो बातें क्लियर होगी, टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस दोनों में ई और डी एस के बीच में एंगल कितना बन रहा है, जीरो डिग्री। अब बात होती है कर्व सरफेस, ई कैसे था, ऐसे, अब ये हमारे पास ये कर्व सरफेस है, यहाँ से क्या कटोगे, छोटा सा एरिया, तो कैसे बनेगा, ऐसे, एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा, बाहर की साइड, तो कितना एंगल बन रहा है, 90, वेरी गुड। फील्ड लाइन्स कौन कहाँ है, बाहर, यहाँ पे क्या है, 90 है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि फील्ड लाइन्स कहाँ जा रही है, इधर, बाहर, इधर भी, बाहर। ठीक है, बात समझ आ गई वाली बात। ठीक है, तो सारे केस में क्या समझ आया, अगर इस साइड भी लोगे कर्व में तो क्या बनेगा, 90। कर्व वाले हर पॉइंट पे एंगल कितना बन रहा है, 90, और टॉप और बॉटम सरफेस पे एंगल कितना बन रहा है, जीरो। ये बात समझ आ गई, तो यही चीज़ करनी है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे अपन ने ऐसे एरिया काटा ना, एरिया तो हम किसी तरीके से काट सकते थे ना, ये अपने पास क्या है, इनफाइनाइट प्लेन शीट। अगर मान लो एरिया अपन ने कैसे काट दिया, ऐसे, ऐसे भी तो काट सकते हैं, ये भी तो सरफेस एरिया हो गया, ऐसे काटोगे तब कैसी शेप बनेगी, तब भी सिलेंड्रिकल बनेगी या कुछ और बनेगी, तो तब कौन से बनेगी, क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूब की फॉर्म में, ये देखो यहाँ से ये काटते हो तो इसके अंदर ये जाएगा, कैसी शेप बनेगी, समझ आएगी बात, आंसर सेम आएगा, बस ये कि आपने किस शेप में एरिया काटा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या बनेगा, गॉसियन सरफेस। इस शेप में कैसे बनेगी, क्यूब है ना ये, क्लियर है, शेप क्या ना इसके, तो ये क्या हो गया हमारे पास, क्यूबॉइड, समझ आ गई बात, रिपीट करना, यहाँ तक आ गया तो देखो अब टॉपिक होएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या लिए, इनफाइनाइट प्लेन शीट, क्लियर, इसके ऊपर क्या डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया, चार्ज, उसको क्या बोल दिया आपने, सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, क्यू बाय में ए, क्लियर। फिर आपने छोटा सा क्या काटा, एरिया, इस एरिया की वजह से कैसा बन रहा है, गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल, तो क्या ले लिया हमने यहाँ से एक, ठीक है, ये कैसे बन गया हमारे पास,
सिलेंडर को, सिमेट्रिकल होना चाहिए, समझ लो ना। जितना इस आर दूरी इतनी दूरी पे, तो आर यहाँ से क्लिक होगा, ठीक है। अब देखो, अब ये एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा इसके, आउटवर्ड, तो क्या आएगा ds। इस वाले के एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा, आउटवर्ड। इसकी वजह से फील्ड लाइंस भी कहाँ बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर ही आया ना। तो इन दोनों में अंदर कितना बनेगा, जीरो। क्लियर है, ठीक है। अब तो यहाँ पर बस नोट करना तुमने, इधर भी ई कहाँ बनेगा, इधर थीटा कितना बनेगा, जीरो। अब कर्व की बात अभी समझाई थी, कर्व में अंदर कितना बनेगा, 90। अच्छा समझ आ गया। तो यहाँ से बस अब तुम्हें ये नोट करना है, अब वही काम करना। सबसे पहले कौन सी एप्लीकेशन अप्लाई, कौन सी किस बेस पर कर रहे हो, गोस के। तो सबसे पहले हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, गोस का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गोस का क्या होता है, वो फाइव इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, ये डायग्राम का हो गया, ये कर दो, ओके। अब हमें क्या करना होता है, ये जो गॉसियन सरफेस बना है उसमें कितने पार्ट बन गए, तीन, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और ये कर्व वाला क्या बन गया, थर्ड, ठीक है। द गॉसियन सरफेस is divided into three region या three parts। फिर next step क्या लिखेंगे, three regions को divide कर दो, phi is equal to close e dot ds, क्या आएगा, first region E dot ds, ठीक है। उसके बाद बोलो सेकेंड रीजन, E dot ds प्लस में थर्ड रीजन, E dot में ds, ठीक है। A dot b, A b cos theta, theta कितना हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड रीजन में, बताओ, जीरो। थर्ड में क्या हो जाएगा, 90। तो फर्स्ट और सेकंड में क्या पुट कर देंगे, ई डी एस कोस थीटा, ई डी एस कोस थीटा, ई डी एस कोस थीटा। इन दोनों केसेस में थीटा विल बी जीरो, इस केस में थीटा विल बी 90। क्लियर अप टू हियर, जो हमारे पास जो फ्लक्स बन रहा है, इतने एरिया की वजह से बन रहा है ना, जितने वजह
से इतने, ठीक है। तो इसका जो ये एरिया होगा और ये एरिया क्या होगा, सेम। अगर ये एस एरिया का है तो ये भी कितने का होगा, एस का। ये भी कितने का होगा, एस का। तो अब ds ds करके सारों का लेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा, एस। इसका भी क्या आ जाएगा, एस। क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ई डी एस। ये तो क्या आ जाएगा, बाहर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हर पॉइंट पे क्या रहता है, सेम सेम रहता है। तो क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा तो क्या आ जाएगा, बाहर। क्या बचा, डी एस। डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एस। सेम डिनोमिनेटर में ई बाहर, और डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अपना, एस। कोई स्टेप में डाउट है इसमें, तो फाइव किसके इक्वल आ गया अपने पास, टू ई एस। क्लियर। फाइव को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट। क्यू, क्यू क्या है, चार्ज इंक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। कितना है वो, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू में एस। कितना होगा क्यू, सिग्मा इंटू में एस। क्यू एस, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय में एस। ऐसे माना होगा ना, तुमने ए लिखा है स्टार्टिंग में, ए लिख लिया तो हम यहाँ पे एस कर लेना स्टार्टिंग में। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, या यहाँ पे क्या लिखो, क्यू बाय एस। सारा एस से किया तो एस से करना, ए से किया तो ए से। स्टार्टिंग में लाएंगे ना, हाँ। इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय में एस, ठीक है। ए से किया तो ए लिख देना, एस से किया तो एस कर, ठीक है। सारे एरिया सेम आना, या तो ए से करना या एस से करना। क्लियर। सिग्मा क्या है, क्यू बाय में एस। तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा इंटू में एस। तो हम क्या लिख सकते हैं, बोलो यहाँ से, क्यू की जगह सिग्मा एस डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट टू ई एस। एस से एस क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय में टू एप्सिलॉन नॉट। ये क्या निकल गई हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट प्लेन शीट। हमारे पास तीन रीजन लेके चलेंगे,
फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और कितने हो गए, तीन, तीन रीजन हो गए ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में है। ठीक है, अगली बात समझती कोई डाउट तो नहीं है। अब क्या था, इसकी वजह से हमने सिंगल की वजह से क्या निकाला था अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या निकाल थी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी कितनी आई, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। ये ए ले लेते हैं और ये भी लेते हैं बी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या ली, कंसीडर टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन शीट, ये स्टेप्स मतलब उसके बाद सारा पिछले के बेस पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ लाइंस इधर जाएंगी, कुछ लाइंस इधर भी है, है ना, तीन रीजंस हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो एक आप क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और एक क्या अपनी नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वैल्यू क्या ले लेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की, और नेगेटिव एक्स एक्सिस में क्या ले लोगे, नेगेटिव। बस समझ आ गया। ठीक है, अब हम ले लेते हैं इन रीजन फर्स्ट, रीजन फर्स्ट में देखो इसकी वजह से फील्ड लाइंस क्या आएंगी, बाहर, इसकी वजह से भी फील्ड लाइंस क्या आएंगी, बाहर, ये अंदर, बाहर आएंगी ना। तो यहाँ पे ई वन भी कहाँ है, बाहर, और ई टू भी कहाँ है, बाहर। क्लियर है, अभी मैंने क्या कहा, जो राइट साइड है उसमें क्या लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो लेफ्ट साइड उसको क्या लेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है, अभी क्या था, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, क्या बनता है, सिग्मा बाय टू, इसकी वजह से क्या बनेगा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये डायरेक्शन क्या है इसकी, नेगेटिव, इसकी डायरेक्शन भी क्या है, नेगेटिव, क्यों, ये लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो देखो इस पहले रीजन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो क्या बनेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, माइनस ई वन और माइनस के ई टू। क्लियर हुई बात, मैंने क्या कहा, इस साइड क्या ले लो, पॉजिटिव, अगर इससे अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या ले लोगे, माइनस। अब ई वन, ई वन कितना होता है, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, कितना होता है, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। या तुम चलो करो ऐसे कर लो, इसको देखो एक मिनट, ऐसे लिख लो कि जैसे इस की वजह से भी क्या बनेगा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी क्या बनेगा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो ईवन कितना आएगा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, और ई टू भी कितना आएगा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ आ गई, अब देखो, अब फिर क्या होगा, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हो तुम, यूनिट वेक्टर, किससे रिप्रेजेंट करते हो, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो क्या लेंगे, प्लस आई कैप, क्योंकि मैंने कौन सी डायरेक्शन ले लिया, एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या लिया हमने, एक्स। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो क्या होगी, माइनस के आई कैप, क्या होगी, माइनस के आई कैप। ठीक है, अब ई लिखे तो ई की अब लिखो वैल्यू क्या आएगी बताओ, ई वन, ई वन कितना आएगा, माइनस सिग्मा बाय में टू एप्सिलॉन नॉट। एक बार आप ये मान लेते हैं, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा वन, और इस पे कितनी है, सिग्मा टू, डाउट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, माइनस सिग्मा वन टू एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या आ जाएगा, आई कैप, क्या आ जाएगा, आई कैप। आगे बोलो, माइनस सिग्मा टू एप्सिलॉन नॉट आई कैप, और यहाँ पे क्या लिख दो,
होंगे टू। देखो ये लेफ्ट रीजन में है ना, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस के आई कैप क्या होगी, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन, कितना होता है सिग्मा बाय टू। हमने मान लिया कि इस ए वाली शीट पे कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा वन, बी वाली पे कितनी है, सिग्मा, क्लियर। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ आ रही है, लेफ्ट, कहाँ आ रही है लेफ्ट, तो आई कैप क्या होगा, प्लस या माइनस, माइनस, समझ आ गया, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हो, वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस के सिग्मा वन माइनस के सिग्मा टू इंटू में आई कैप, ठीक है। एक बार सेकेंड रीजन देखो, शायद फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, नहीं तो इन रीजन सेकेंड, सेकेंड रीजन में देखो, सेकेंड रीजन इस प्लस की वजह से कहाँ बनेगा, बाहर, ठीक है, इस प्लस की वजह से भी क्या बनेगा, बाहर, क्या आएगा, आ गया, रिपीट करूँ, इसकी वजह से बाहर, इसकी वजह से भी बाहर, क्योंकि प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनता है, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, क्या बनता है, अवे फ्रॉम द सोर्स। तो ई बताओ क्या आएगा यहाँ पे, एक प्लस में और एक क्या है माइनस में। अपन मान लेते हैं लेट सिग्मा वन ज़्यादा है किससे, सिग्मा टू से, किसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, पहले वाले प्लेन शीट की एज कम्पेयर टू सेकेंड, तो ई वन क्या होगा, ई टू से बड़ा होगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, ई वन माइनस के ई टू, क्या आएगा, ई वन माइनस के ई टू, क्लियर है, तो माइनस ही कर लो फिर तुम्हें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन से, क्लियर, ठीक है। ये नेगेटिव में क्या ले लिया अपन ऐसे और पॉजिटिव में, आगे देखो ई वन, अब ई वन कहाँ है, राइट में या लेफ्ट में, सेकेंड रीजन में ई वन राइट में लेफ्ट में, लेफ्ट ई वन राइट में, तो है तो ये क्या है प्लस, ई टू क्या है लेफ्ट में, ई टू क्या है राइट में, जैसे ये ओरिजिन है तो ये क्या हो गया राइट, और ये क्या हो गया लेफ्ट, तो ये ई टू किस में है, तो ई वन को क्या ले लोगे प्लस, ई टू को क्या ले लोगे माइनस, ई वन की वैल्यू बोलो सिग्मा वन टू एप्सिलॉन नॉट आई कैप माइनस सिग्मा टू टू एप्सिलॉन नॉट आई कैप, क्लियर, कैसे लिख सकते हैं, वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा कॉमन, आप अंदर क्या बचेगा सिग्मा वन माइनस के सिग्मा टू इंटू में आई कैप, ठीक है। अब आते हैं थर्ड रीजन में, इन रीजन थर्ड क्या आएगा, ई इसकी वजह से आउटसाइड, इसकी वजह से भी आउटसाइड, तो ई वन और ई टू दोनों कहाँ आएंगे, इधर ही, क्लियर है, ई वन और ई टू दोनों कहाँ आएंगे, इधर, दोनों प्लस होंगे या माइनस, प्लस, क्या होंगे प्लस, तो कर लो आप ई वन प्लस ई टू, ठीक है, ई वन बोलो क्या आएगा, सिग्मा वन बाय में टू एप्सिलॉन नॉट आई कैप सिग्मा टू टू एप्सिलॉन नॉट आई कैप, क्या आ जाएगा इसमें से कॉमन आउट, वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचेगा सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू इंटू में आई कैप, ठीक है। क्या किया सबसे पहले, एक फ्लैट शीट की वजह से किया था, एक फ्लैट शीट की वजह से अवे फ्रॉम द शीट किसी पॉइंट पे अपने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, कितना आया था वो सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन, कितना आया था सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन, हमने अब उसी टॉपिक को एक्सटेंड किया, एक की जगह कितनी शीट्स ली है दो, तो हमने क्या ली दो इनफाइनाइट प्लेन शीट जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है डिफरेंट, इसके एरिया पे अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके एरिया
फर्स्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा 1/2 ε0, इसकी वजह से क्या होगा सिग्मा 2/2 ε0। अब तीन रीजन लेंगे, इस रीजन में फील्ड निकाल दिया, इस रीजन में और इस रीजन में। इस रीजन में फील्ड कैसे बनेगा, प्लस की वजह से बाहर, प्लस की वजह से बाहर, ठीक है। इस रीजन में कैसे बनेगा, प्लस की वजह से इधर, प्लस की वजह से इधर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड का बनता है अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, क्लियर। इसलिए E3 ऐसे और ऐसे, क्लियर। अब देखो कुछ डायरेक्शन राइट साइड जा रही है, कुछ डायरेक्शन कहाँ जा रही है, लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे क्वान्टिटी होती है, फैक्टर। तो राइट वाले डायरेक्शन को अपन ने क्या मान लिया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और लेफ्ट वाले को क्या मान लिया, नेगेटिव। और डायरेक्शन को हम किस से शो करते हैं, यूनिट वेक्टर से, इसलिए हमने आई कैप प्लस और आई कैप क्या ले लिए, माइनस, क्लियर। रीजन फर्स्ट, दोनों कहाँ हैं, लेफ्ट, तो दोनों क्या आएंगे, माइनस, ठीक है। रीजन सेकंड, एक प्लस राइट में, एक लेफ्ट में, तो एक प्लस आएगा और एक माइनस। तो हमने किसकी डेंसिटी ज़्यादा मानी है, फर्स्ट वाले की, तो फर्स्ट में से आपने क्या मान कर दिया, सेकेंड, क्लियर। थर्ड में दोनों राइट में, दूसरे दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, क्लियर है यहाँ। तो ये हमारे पास निकल गए इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। आगे हम स्पेशल केस बनाएंगे, यहाँ पे आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या मानी है, सेम सेम, अगर हमारे अलग अलग क्या मानी है, अलग अलग, अगर स्पेशल केस में आप क्या मान लें, सेम, ठीक है, तो क्या होगा, और एक पे मान लेते हैं प्लस और एक पे क्या मान लेते हैं, माइनस, कोई डाउट है, इस ट्रेड पे अपन ने क्या मान लिया, पॉजिटिव, इस पे क्या मान लिया, नेगेटिव, ठीक है। और दोनों पे हमने क्या मान ली, इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या मान ली, इक्वल। रिजल्ट आ गए, उन्हीं रिजल्ट्स में हम सिग्मा के क्या प्रूव कर देंगे, रिजल्ट वैल्यूज, तो हमारे पास देखते हैं क्या रिजल्ट है, देखा समझ आ गया, डाउट है, नोट हो गया। तो आगे हम बनाते हैं स्पेशल केस, ठीक है, क्या लेना है तुमने स्पेशल केस में, ये हटा लेते हैं, इसका रिजल्ट कर लेते हैं, चाहिए होगा अभी। तो ये क्या था अपना, सिग्मा वन की जगह क्या
सिग्मा, सिग्मा टू की जगह माइनस सिग्मा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस हो गया तो क्या हो गया, टू सिग्मा बन गया, टू सिग्मा बाय में टू एप्साइलन नॉट, कितना हो गया, सिग्मा बाय में एप्साइलन नॉट, तो क्या लेगा, सिग्मा बाय में एप्साइलन नॉट, आगे समझ, ठीक है। अब क्या रह गया, थर्ड रीजन, थर्ड रीजन है बताओ क्या आएगा, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू माइनस सिग्मा, तो प्लस सिग्मा में से माइनस सिग्मा करोगे तो कितना आएगा, जीरो। तो ये क्या आ गया, एक स्पेशल केस बना दिया, ये याद हो गया, इतना समझ आ गया। इस स्पेशल केस का जो ये रिजल्ट है आगे फर्दर टॉपिक्स में यूज होगा, ये तुम्हें समझ आना चाहिए, इतना हो गया, ठीक है। अभी देखो जो हमने थ्योरेटिकल लिखा इसका डायग्राम बनाते हैं, कैसे बनेगा, क्या कहा था, दो शीट्स थी, एक पे प्लस सिग्मा और एक पे माइनस सिग्मा, तो मतलब किस तरीके का डायग्राम बनेगा स्पेशल केस का, यहाँ पे प्लस ए मान लेते हैं और इसमें कितना है प्लस, अब ये क्या है हमारे पास बी, इस पे अपन ने क्या मान लिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस, यही माना ना, समझ आ गई बात, यही सारे होना चाहिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वल माने ना, इक्वल एंड अपोजिट, इस पे क्या आ गया प्लस, इस पे क्या आ गया माइनस, यही केस बनाया था ना। अब देखो तीन रीजन है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये बात समझने वाली है, ये आगे यूज होगी मेरी, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सीधा रिजल्ट यूज करेंगे, पर यहाँ पे समझना यहाँ आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट रीजन में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, सेकेंड रीजन थर्ड में बात करते हैं पहले, थर्ड में कितना आया, जीरो, इसमें कितना आया, सिग्मा बाय सिग्मा, क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी कॉन्स्टेंट, एप्साइलन नॉट भी क्या है कॉन्स्टेंट, तो मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आपके पास दो इक्वल हैं, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज की क्या है प्लेट, क्या है दो इक्वल और अपोजिट चार्ज की क्या है प्लेट, ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट के बीच में कितना आ रहा है, सिग्मा बाय एप्साइलन नॉट, कितना आ रहा है सिग्मा बाय, तो मतलब क्या है, ये बात समझ आ गई कि इस रीजन के बीच में जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या रहता है कॉन्स्टेंट, क्या रहता है, ये मेन आगे फर्दर अपना जो फोर्थ चलेगा कैपेसिटर वाला चैप्टर उसमें सारा का सारा इसको रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है ना ये यूज़ करेंगे, ठीक है, कि दो इक्वल और अपोजिट प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है सेम, वो कितना होता है सिग्मा बाय में एप्साइलन नॉट, इस रीजन ऑफ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है जीरो, ये बात याद रखनी है, दो इक्वल और अपोजिट प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, तो ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन शीट्स, ठीक है, तो तीसरी थी एप्लीकेशन बट वो सिलेबस में नहीं है तो उसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना चैप्टर रहेगा, दो चैप्टर्स हो गए, ठीक है, फोर चैप्टर्स है सब्जेक्ट में, आगे आसान है मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। थर्ड रहेगा चैप्टर अपने पास पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फोर्थ चैप्टर क्या रहेगा कैपेसिटर का, ठीक है। पर वो करने से पहले तुम्हें ये जो पिछला कंसेप्ट है ना वो आना चाहिए, ठीक है, बारी बारी जितनी आप बेसिक आपको पढ़ चुके हैं ना वही यूज़ करेंगे आगे फर्दर चैप्टर में, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से आज तक जितना कराया है उतना आना चाहिए, और कोर्स ला में से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये अब तो दो एप्लीकेशन है फिलहाल, तो दो तो अच्छे से बहुत टिप्स करनी चाहिए एप्लीकेशन, ठीक है, बहुत है आज के लिए, फिर हम कल करेंगे।